हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। माय नेम इज़ अनामिका एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट 4 इन टैली सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो हमने बात की थी लैब असाइनमेंट 3 के बारे में, हमने बताया था आपको। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट 4 के बारे में। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि असाइनमेंट 4 में क्या चीज़ मेंशन है। मनोज 850,000 से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की एक कंपनी एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से खोली। यानी कि एक पर्सन है, कौन? मनोज, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोली है और किस नाम से? एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए फर्स्ट वी विल क्रिएट दी कंपनी। F3 से हम कंपनी में जाएंगे और हम बनाएंगे कंपनी पहले। तो ये आपका कंपनी का पेज ओपन हो चुका है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हमने मेंशन कर दिया है। एड्रेस हमारा रहेगा मेजा, देन स्टेट विल बी यूपी, देन लाइक दिस वी विल इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। फिर हम इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद हमारा GST नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, फिर ये मंथली के ऑप्शन में रहेगा, देन फिर इसे हम एंटर करते हुए सारी चीज़ों को अब सेव कर देंगे। तो अब हमारी क्या बन गई है? कंपनी बन चुकी है। किस नाम से? एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो चलिए हमारी कंपनी अब बन चुकी है। अब कंपनी बनने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैपिटल रिसिप्ट करना है। तो कैपिटल रिसिप्ट के लिए पहले हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और हम लेजर को क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट किस नाम से होगा? हमारा कैपिटल, है ना, क्योंकि हमें कैपिटल रिसिप्ट करना है। कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर में रहेगा और यहाँ पे हम इसे करते हुए कैपिटल अकाउंट को हमने क्रिएट कर लिया है। क्लियर। एस्केप के ऑप्शन से हम बैक जाएंगे, देन हम आएंगे यहाँ पे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे हमें F6 से रिसिप्ट पे आना है। यहाँ पे कैश का फॉर्म रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है। कैश या बैंक, तो हम कैश को लेके चलेंगे। और यहाँ पे हमारा रहेगा कैपिटल। साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट है। और यहाँ पे कितने पैसे लगाए गए हैं? 850,000, 850,000। तो अब हमारी वेट 850,000। तो हमारी कैपिटल बन चुकी है अब, है ना। तो चलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया इसे। अब नेक्स्ट फर्स्ट हमारी एंट्री क्या है? इसमें मेंशन ये है, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निर्मित सामान नगद मिली है। यानी कि इतने जो तीन सामान है आपके, बजाज, शीतल और वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, ये तीन सामान को क्या किया गया है? परचेज किया गया है, लेकिन किस फॉर्म में? नगद के फॉर्म में, है ना। तो पहले हम क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे और क्या हम बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। किसका? परचेज का हमने लेजर बनाया है। परचेज हमारा परचेज अकाउंट में रहेगा, क्लियर। फिर हमारा गुड्स में रहेगा, देन वी विल सेव इट। तो हमारा परचेज अकाउंट बन चुका है। फिर उसी में हमें परचेज के साथ हमें GST की ज़रूरत है, तो हम लगाएंगे CGST अकाउंट को हमें बनाना है। ये हमारा रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST का ऑप्शन, है ना। फिर CGST है तो सेंट्रल में रहेगा, देन वी विल सेव लाइक दिस। हमारा GST बन चुका है। अब हम लगा देंगे SGST। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, ये भी GST में रहेगा, देन ये हमारा स्टेट के ऑप्शन में होगा और इसे भी हम सेव कर देंगे। तो हमारे अब परचेज बन चुका है और क्या बना है? SGST और CGST हमने बना दिया है। चलिए अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे तीन आइटम्स है, उन तीन आइटम्स को पहले हम क्रिएट करेंगे।
फर्स्ट विल क्रिएट यूनिट, यूनिट हमारी पीसेस में रहेगी, क्लियर। देन हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम फर्स्ट है बजाज PSPO फैन, बजाज PSPO फैन, क्लियर। पीसेस में रहेगा, येस मीन्स फॉर GST ऑन वैल्यू टैक्सेबल, देन इट विल बी 18%, कॉज 18% मेंशन है वहाँ पे, एंड वी विल सेव लाइक दिस। नेक्स्ट आइटम इज शीतल कूलर, शीतल कूलर, देन इट विल बी ऑन पीसेस वाई फॉर येस ऑन वैल्यू टैक्सेबल देन 18%, देन अगेन यू विल सेव। द लास्ट ऑप्शन इज लास्ट आइटम इज वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, इट विल बी ऑल्सो इन पीसेस बाई फॉर ईयर्स GST टैक्सेबल एंड इट विल बी ऑल्सो 18%। सो हमारे अब तीन आइटम्स बन चुके हैं। नाउ विल गो इन वाउचर्स, और हमें क्या करना है यहाँ पे, परचेज करना है। परचेज के लिए हम F9 पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी हमारा इनवॉइस नंबर रहेगा, देन पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हम डालेंगे कैश, और पार्टी की डिटेल्स में हम डालेंगे जो भी हमारा सप्लायर है। कौन है यहाँ पे सप्लायर, क्वेश्चन में देखिए आप, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर। देन ये रेगुलर पे होगा, फिर ये परचेज पे आएगा, देन वन बाय वन सारे आइटम्स को हमें मेंशन करना है। बजाज ये हमारा क्वांटिटी कितनी यहाँ पे 10 है, अमाउंट है 800, क्लियर। नेक्स्ट इज शीतल कूलर, हाउ मेनी पीसेस आर देयर, 5 पीसेस, देन 1800 विल बी द प्राइस। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट आइटम इज वर्लपूल, देन 2 पीसेस आर देयर एंड 12,000 अमाउंट आपकी। अब हमारे तीनों आइटम्स हो चुके हैं, और एंड ऑफ लिस्ट पे हम आएंगे, CGST के ऑप्शन को हम डालेंगे, आया हमारा अमाउंट 3690, देन SGST भी हमारा आ जाएगा 3690, और हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई, 48,380 रुपीज़। तो हमारी अब ये टोटल वैल्यू आ चुकी है, तो अब ये भी हमारा सेफ हो चुका है, क्लियर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है। संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निमित सामान उधार में लिए, यानी कि ये सामान हमने जो है उधार पे लिए हैं, सैमसंग एयरटेल सैमसंग वॉशिंग मशीन, तो और हमें करना क्या है यहाँ पे, ये भी हमारा परचेज है बट उधार के फॉर्म में, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें किसका अकाउंट यहाँ पे बनाना है, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑलरेडी, क्योंकि कॉज हमने उधार पे लिया है। चलिए एक लेजर हम क्रिएट करते हैं, और एक लेजर हमारा संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर। ये हमारा किस पे रहेगा, सनराइज डेबिटर्स सॉरी क्रेडिटर्स पे रहेगा, ठीक, क्लियर। और इसे हम सेव कर देंगे। अब ये जो तीन आइटम्स हैं, इन तीन आइटम्स भी हमारे लिए न्यू है, तो हम तीन आइटम्स को पहले बनाएंगे, देन हम वाउचर्स पे आएंगे। तो चलिए पहले हम तीन आइटम्स को बनाते हैं, सैमसंग TV येस सॉरी पीसेस में, देन येस यहाँ पे रहेगा ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एयरटेल डिश, एयरटेल डिश, देन इसे भी हम पीसेस पे डालेंगे, येस रहेगा हमारा, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, और इसे भी हम सेव कर देंगे। सैमसंग वॉशिंग मशीन लास्ट है हमारा,
सैमसंग वॉशिंग मशीन पीसेस पे रहेगा। टैक्सेबल 18%, देन वी विल सेव लाइक दिस। तो हमारे तीन आइटम सब जनरेट हो चुके हैं। सो विल कम टू परचेज वाउचर्स, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे पार्टी अकाउंट में हमारी, ये संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स क्वाज़ी हमारा सप्लायर है ना, ये हमारा परचेज पे रहेगा। देन वन बाय वन सारे आइटम्स को हम मेंशन करेंगे। सैमसंग टीवी हमारी कितनी पीसेस है, 2। देन रेट कितना है, 32,000। देन नेक्स्ट आइटम एयरटेल डिश 10 है पीसेस, $800 अमाउंट है। देन नेक्स्ट है सैमसंग वॉशिंग मशीन, कितना है पीस, 2 पीसेस हैं। और नेक्स्ट हमारे आइटम प्राइस कितना है, 8,000। अब है सी जी एस टी, हम लगाएंगे एंड ऑफ लिस्ट में 7920 हमारी सी जी एस टी आया, और एस जी एस टी भी ये आ चुका है। तो अब इसे हम एंटर करते हुए कोई भी चेंजेस नहीं यहाँ पे करने हैं। हमारा अमाउंट आया है टोटल 1,03,840 रुपीज़, हमारी अब टोटल वैल्यू आ चुकी है, और इसे हम सेव कर देंगे। तो अभी सेव हो चुका है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। तो मैं स्केप्स के ऑप्शन से पीछे आएंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे, देन अकाउंट्स बुक में आएंगे हम, फिर उसके बाद कैश बैंक बुक में चेक करेंगे हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। 8,01,620 रुपीज़ हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं, कितने में से, 8,50,000 में से। क्लियर, हमारी टोटल कैपिटल कितना था, कितना पैसा लगाया गया था बिजनेस में, 8,50,000, और बचा कितना हमारे पास, 8,01,620 रुपीज़। उसमें से हमारे दो एंट्रीज हमारी परचेज की हुई हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का परचेज अमाउंट बताइए। तो हम आएंगे परचेज रजिस्टर में, जिसे हम एंटर करेंगे, दो हमारे परचेज आइटम्स हुए हैं, एक हमारा 48,380 रुपीज़ का हुआ है, और दूसरा हमारा हुआ है 1,03,840 रुपीज़ का, और टोटल हमारी कितनी वैल्यू आई है दोनों को मिला के, 1,52,220 रुपीज़ हमारी टोटल वैल्यू आ चुकी है ना। तो चलिए अब हम बैक पे आते हैं, और गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं।